हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है जी। चलो सभी का हाल चाल बढ़िया ही होना चाहिए। तो फाइनली मैं आज यहाँ पर एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया। मेरी जितनी भी सीएस की फैमिली है उन सभी बच्चों के लिए ये लगा लो कि ये वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ, आपको डांटने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सर मेरी बात को नहीं समझ पा रहे, अपने पैसे वेस्ट करेंगे, आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो प्लीज़ सारी की सारी वीडियो बहुत ध्यान से सुनना अगर आप चाहते हो कि भैया हम फर्स्ट रोड के अंदर सीएस बन जाए। अब बच्चा ये बात कहता है, सर हमसे क्या गलती हो गई जो आप हमें डांटने के लिए आ गए। सर मैं डांटने के लिए नहीं आया, बट बहुत सारे बच्चों का ना मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि देखो आज ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे बच्चे मेरी सीएस फैमिली के मुझसे जुड़ चुके हैं। बहुत सारे बच्चे मुझे बड़ा भाई मानते हैं, मेंटर मानते हैं, टीचर मानते हैं, जो आपका दिल करता है आप मुझे यहाँ पर मानते हो। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस ये है कि मैं अपने छोटे भाई छोटी बहनों को ये समझा के चलूं, प्लीज आपने पैसे वेस्ट नहीं करने, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सर यहाँ पर आकर फेस टू फेस क्लास नहीं ले पाते किसी भी टीचर की। अब मैं ये नहीं बोलूंगा सर आप मेरी ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, मैं कह रहा हूँ किसी भी टीचर की आपने कहीं से भी ऑनलाइन क्लास ली है तो बहुत सारे बच्चों का वो देखने का तरीका गलत है। अगर आप उस तरीके से क्लास देख रहे हो मैं आपको 100% कह रहा हूँ आपके पैसे वेस्ट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अब बच्चा ये बात कहते हैं, सर मतलब कहना क्या चाह रहे हो, इधर सुना ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सर एक बात मैं सोच के बताना, आज ऑल ओवर इंडिया ना आप मे भी जानते हो चाहे वो सीए हो चाहे वो सीए, तो बहुत सारे बच्चे पेन ड्राइव क्लास देख रहे हैं, गूगल ड्राइव क्लास दे रहे हैं, मोबाइल में, मतलब कहीं पर भी आज ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं, क्योंकि वो फेस टू फेस बच्चा यहाँ पर नहीं आ पा रहा। आपको मैंने पहले भी कहा था कि अगर 10% चांसेस आपके फेस टू फेस आने के हैं तो प्लीज आप फेस टू फेस आओ, उससे बढ़िया मोड कोई भी नहीं है। क्योंकि बिलीव मी जो मजा फेस टू फेस पढ़ने में है वो ऑनलाइन पढ़ने में मेरे को लगता है कि 2% मजा उससे कम ही होगा, उससे ज्यादा तो होगा नहीं। बट अगर बाय चांस आप यहाँ पर नहीं आ पाते तो वो क्लास को देखने का तरीका क्या होगा वो सुनो ध्यान से। एक बात मैं सोच के बताना सर, आपका दिल ये बात जानता होगा जो मैं यहाँ पर आज बातें बोलूंगा ना, 70% बच्चा अगर उस तरह से क्लास देख रहा है सर आपका रिजल्ट नहीं आएगा। अपने पेरेंट्स के पैसे, अपने पैसे प्लीज आप वेस्ट मत करो सर, बहुत मुश्किल से पैसे आता है, आपको पता नहीं अपने पेरेंट्स ने कहाँ से पैसे उधार लिए और आपको क्लास के लिए पैसा दिया। अब सुना ध्यान से दिक्कत क्या आती है सर, एक बात मैं सोच के बताऊँ, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। लेट्स एन एग्जाम्पल, मान लो लक्ष्मी नगर या पटेल नगर कोई बच्चा मेरे पास फेस टू फेस पढ़ने के लिए आ रहा है। अब सर के देखो जो बच्चा मेरे पास फेस टू फेस पढ़ने के लिए आएगा ना, पहली बात अब जब मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा उससे मेरा आई कॉन्टैक्ट होगा, दूसरी बात ना तो वो पोज का बटन दबा सकता है, ना वो मेरी स्पीड इंक्रीज करेगा, ना वो ये बोलेगा कि आज मेरा क्लास देखने का मन नहीं है मैं क्लास देखूंगा या मैं आज चार क्लास देखूंगा। बहुत सारे बच्चों ने ऑनलाइन क्लास को मजाक बना रखा है सर, बिलीव मी आज तक मैंने पेन ड्राइव क्लास इसलिए नहीं निकाली थी कि कहीं बच्चों का नुकसान ना हो, बच्चा फेस टू फेस आए। बट प्रॉब्लम क्या है, बच्चों की बहुत डिमांड अलग है सर आप प्लीज ऑनलाइन क्लास निकाल दो, मैंने ऑनलाइन क्लास निकाली और आपको मैंने पहले भी कहा था सर एक सिंगल बच्चा भी मेरी पेन ड्राइव ऑनलाइन क्लास नहीं ले अगर वो इस तरह से देखना चाहते, क्योंकि प्लीज मैं आपकी बद्दुआ नहीं लेना चाहता, आपके पेरेंट्स की मैं दुआ उनकी ब्लेसिंग लेने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ सर, मैं ये नहीं चाहता कि उनके दिल से बात निकले विवेक सर की पेन ड्राइव ली थी बच्चा फेल हो गया। क्योंकि प्रॉब्लम क्या, आपके देखने का तरीका गलत, अगर आप उस तरह से क्लास देख रहे हो किसी भी टीचर की आप फेल होने की तरफ जा रहे हो, तो प्लीज एज ए बड़ा भाई मानने के नाते प्लीज आपने ऐसे क्लास नहीं देखनी। अब बच्चा कह रहा है सर मतलब प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, सबसे पहली प्रॉब्लम जो है ना सर, प्रॉब्लम क्या आती है, जो बच्चा ऑनलाइन क्लास में बार बार जो है बीच में पोज का बटन दबाता है ना, सबसे बड़ी दिक्कत ही आती है सर। मैं सिंपल सी बात कहते, देखो ऑब्वियसली बात है हर बच्चे का माइंड जो है ना, हर बच्चे का माइंड सेम नहीं होता। मान लो आपको टीचर की स्पीड फास्ट लग रही है तो आप पोज बार बार करते हो, बट प्रॉब्लम क्या है आप जितनी ज्यादा बार पोज करोगे उतनी आपकी कनेक्टिविटी टूटेगी। क्योंकि प्रॉब्लम क्या, आप ये मान के चलो सर, देखो मैं आपको बिलीव मी मेरी 100% क्लास वही होती है जो मैं रेगुलर क्लास फेस टू फेस लेता हूँ, वही ऑनलाइन क्लास मेरी आती है ताकि बच्चों को ना फीलिंग आए। अब सोच के देखो जो बच्चा फेस टू फेस बैठा है क्या वो पोज का बटन दबा रहा है, नहीं दबा रहा। अब वो भी तो समझ रहा है, वो भी तो नोटिंग कर रहा है, तो मेरी क्लास में नोटिंग करने का टाइम भी है, सेम बातें आपकी यहाँ पर होती हैं, बट आप बार बार पोज का बटन दबाओगे किसी की भी क्लास में तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी टूटेगी, आपका रिजल्ट आने में दिक्कत आएगी। अब बच्चा कह रहा है सर कई बार ऐसा पॉइंट भी तो होता है जो हमें समझ में नहीं आता इसलिए हम पोज दबाते हैं, आप तो हमें डांटने बैठ गए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पोज बटन दबाओ ही मत, मैं कह रहा हूँ बार बार मत दबाओ, क्योंकि प्रॉब्लम क्या, कनेक्टिविटी नहीं तो नहीं, हाँ आपको लगता है पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप पोज करके बैक करके दोबारा देख लो, उसकी कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है, उसके अंदर मैं आपको नहीं डांटूंगा। सबसे पहली प्रॉब्लम, आपने जितना हो सके पोज का बटन कम करना है, ये मैं आपके भले की बात कर रहा हूँ। सेकंड जो है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्पीड फास्ट कर देते हैं सर। एक बात मैंने सोच के बताना, आपको लग रहा है कि वो टॉपिक आसान है, बट बिलीव मी मैं आपको सिंपल से बात कर रहा हूँ सर, पढ़ाने वाले को बता वो कितना इंपॉर्टेंट है।
जो बच्चा डेढ़ की स्पीड पे, दो की स्पीड पे, ढाई की स्पीड पे क्लास देखेगा ना, मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ उस टाइम समझ में आएगा, एक हफ्ते के बाद, एक महीने के बाद तो सारा भूल जाएगा। तो प्लीज सर क्लास को मत बिगाड़ो, क्लास को मत बिगाड़ो, जितनी स्पीड में नॉर्मल क्लास यहां पर चलती है वही स्पीड आपने देखनी है। अगर आपको ज्यादा ही स्लो लग रही है थोड़ी बहुत आप फास्ट कर लो, ज्यादा फास्ट करोगे सर बिलीव मी नुकसान मेरा नहीं है, नुकसान कहीं ना कहीं आपका होगा। आप बाद में जाके फील करोगे यार ये टॉपिक इंपॉर्टेंट था, क्लास में आ गया, उसको हमने स्पीड में देखा था। तो प्लीज ऐसी गलती मत करो, जितनी स्पीड में क्लास है उतनी स्पीड में आप क्लास देखो। हाँ टाइम कम है, टाइम कम बचा है, बहुत कम टाइम है, उस केस में स्पीड इंक्रीज कर दो, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, ठीक है जी। तीसरी बात सर, बच्चा क्या करता है मतलब ऑनलाइन क्लास में नोटिंग ही नहीं करता, नोटिंग क्यों नहीं करता, बच्चा क्या करता है भाई साहब वहां पर पोज करेगा, फोटो लेगा, पोज करेगा, फोटो लेगा, पोज करेगा, फोटो लेगा, प्रिंट आउट निकाल लेगा। ऐसे नालायक बच्चे सर बिलीव मी मैं नहीं बोलना चाहता, बट मैं कह रहा हूं सर ऐसा मत करो। सर क्लास में जो हम नोटिंग करते हैं आपको मैं बहुत सारे बच्चे दिखा दूंगा, इतने बड़े बड़े मैसेज बच्चों के आते हैं सर, जो आपने नोट्स बनाए थे ना कितने हमारे हेल्प करते हैं। और सर ये नोट्स एग्जीक्यूटिव में नहीं, बिलीव मी जितना आप सीएस बन जाओगे ना, सीएस बनने के बाद जब तक इंडिया में जीएसटी रहेगा, इनकम टैक्स रहेगा, उस टाइम तक याद करोगे कि जो हमने नोट्स बनाए कितने हमारे हेल्पफुल है। तो प्लीज सर जो भी नोटिंग क्लास में होती है सबने नोटिंग करनी है, दो तीन रजिस्टर ले लो यार, ये मत सोचो कि 50 रुपए का, बिलीव मी सर आपको पता नहीं है जिस दिन आप सीएस बन जाओगे ना आपको ये जो जितना खर्चा आपका कोचिंग लाइन में होगा ये आपके एक साल की मार है, एक साल में सारे कर्जे उतार दोगे घर वालों की, इतनी मेरी गारंटी है। तो या आप सोच के देखो, या तो आपने कर्जा उतारना है कर्जा चढ़ाना है। मैं चाहता हूं इंडिया में रहने वाले हर बच्चे के पेरेंट्स का एक रुपया भी कर्जा ना रहे जब वो सीएस बन जाएंगे, बट वो तब होगा जब आप अच्छे से पढ़ोगे, इस तरह से पढ़ोगे, आप बिना बात के फिजूल के खर्चे नहीं करोगे, अपने पेरेंट्स के पैसे की रिस्पेक्ट करोगे, अपने पैसे की रिस्पेक्ट करोगे। वो रिस्पेक्ट तब होगी जब पढ़ने का तरीका सही होगा। आपको चाहे मेरी बात बुरी लग रही है, मैं यहां पर चाहे गुस्सा लग रहा हूं, बट बिलीव मी मैं अपने छोटे भाई बहनों को समझाने के लिए आया हूं। जो बच्चे मुझे कुछ भी नहीं मानते, कोई दिक्कत है, उन्होंने डिसलाइक करना है, आधी वीडियो देखेंगे भाग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं कह रहा हूं कि दो बच्चे भी अगर इसको फॉलो कर लेंगे ना, दो बच्चे भी अगर फॉलो कर लेंगे उनकी ब्लेसिंग मुझे मिल गई, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो प्लीज आपने यहां पर नोटिंग साथ के साथ करनी है, जो हम रेगुलर क्लास में करते हैं वही नोटिंग आपने यहां पर करनी है, बस ये बात ध्यान देना। उसके बाद कई बच्चे क्या करते हैं जी, फेस टू फेस क्लास में तो ये कर नहीं सकते, कई बच्चे क्या करेंगे ऑनलाइन क्लास में एक दिन में तीन तीन क्लास देख लेंगे। तीन तीन क्लास क्यों देख लेंगे, मान लो दो तीन दिन घूमने के लिए जाना है जी, अपना दो तीन घूमने के लिए जाना है, दोस्तों ने कहीं घूमने के जाना है, एक दिन में तीन क्लास देखी, अगले तीन दिन क्लास नहीं देखी, फिर तीन क्लास देखी, तीन क्लास, ये नालायक जो ऐसे बच्चे करते हैं ना सर, उनका रिजल्ट नहीं आता, फिर वो दोबारा पैसे वेस्ट करते हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज यार एज ए बड़ा भाई होने के नाते ये बात मान लो, ऐसा काम मत करो, अपना प्रॉपर शेड्यूल बनाओ। जो रेगुलर क्लास में, सिंपल सी बात कह रहा हूं सर, ये मान के चलो कि जो फेस टू फेस क्लास में टाइमिंग होती है ना वही टाइमिंग घर वालों को बोल दो कि मम्मी पापा कि जो हमने यहां पर क्लास ली है ना, आप ये मान के चलो कि हम यहां पर घर नहीं बैठे, हम फेस टू फेस क्लास में जा रहे हैं। अब अगर हम फेस टू फेस क्लास में जाते तो आप हमें कोई काम बोलते नहीं बोलते, तो इट मींस कहना क्या चाह रहा हूं, आप सोच के बोलो ट्रेवलिंग कॉस्ट बच गई, हॉस्टल खर्चा बच गया, बट उन सारे खर्चों को दोबारा से वेस्ट ना करना पड़े, उस लिए अपना शेड्यूल बनाओ कि भैया इस टाइम मुझे क्लास देखनी है। जो बच्चे फेस टू फेस यहां पर इंडिया में बैठे हैं विवेक सर के पास, उसी टाइम पर मैं घर में क्लास देखूंगा, तो बिलीव में पढ़ने का मजा आ जाएगा। आपको मेरी बातें अच्छी लग रही है नहीं लग रही है मुझे नहीं पता, बट मेरा दिल, मेरी रोम रोम, मेरा रू ये बात कहते कि इंडिया में रहने वाला हर बच्चा जो भी क्लास लेगा सिंगल पैसा भी वेस्ट ना जाए, बस मेरा आपसे यही अनुरोध है सर। तो मैं आपको यहां पर समझाने के लिए आया हूं। जो बच्चे मेरी क्लास लेते हैं मैं तो सिंपल से बात कहता हूं, सर आपके दिल से दुआ निकले बद्दुआ ना निकले, मैं नहीं चाहता किसी की पेरेंट्स के दिल से दुआ बद्दुआ निकल जाए, मैं बस ये चाहता हूं कि भैया मैं अपना पूरा बेस्ट दूं, मैं जितनी भी ऑनलाइन क्लास आपके लिए बनाता हूं मैं सेम फीलिंग देना चाहता हूं कि जो फीलिंग मेरी फेस टू फेस में है वही सेम फीलिंग आपको यहां पर आनी चाहिए, ठीक है जी। तो प्लीज आपने ऐसा काम नहीं करना। उसके बाद बीच बीच में मोबाइल आपने यूज नहीं करना, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, फेस टू फेस में सर मैं मोबाइल चलाने नहीं देता बिल्कुल भी, मोबाइल मेरी क्लास में मना है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, मोबाइल में आप कैलकुलेशन कर रहे हो, चैटिंग कर रहे हो, बाबू अभी मैं 15 मिनट क्लास बची है उसके बाद फिर हम बातें करेंगे, बेबी ये नालायक, ये बच्चे बाबू बेबी सोना मोना नोनू मोनू सारे करते हैं ना, बिलीव मी सर आपको अगर पढ़ने के बीच में काम आ रहा आपका दिक्कत आपको बहुत ज्यादा आने वाली है। जितने भी बाबू सोना मोना नोनू कितनी एक कितनी रोटी खानी है, जो भी ये कितनी ग्रहण खानी है, सारी की सारी बातें करो बट पढ़ने के बाद करो,
मैं ये नहीं कह रहा सर, मैं बोलवे से बात कर रहा हूँ कि जिस टाइम पढ़ने की बारी है पढ़ने की बारी है, जिस टाइम एंजॉयमेंट की बारी है एंजॉयमेंट की बारी है, एंजॉय भी करना है पढ़ना भी है, जिंदगी एक बार है, टाइम हमें वेस्ट नहीं करना, टाइम हमें बिल्कुल मैनेज करके चलना है। इन छोटी छोटी बातों को समझ लो जिनके दिसंबर में एग्जाम है, टाइम अभी है, अभी से शेड्यूल बनाओ, बेकार की बातों में मत फंस जाओ, अपना अभी से देखो कि अगर मुझे ऑनलाइन क्लास लेनी है तो किस तरह से पढ़ना है। ये वीडियो बहुत काम आने वाली है अगर आप इसको फॉलो करोगे। उसके बाद अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा दो दोस्तों के साथ पढ़ रहा है, अब दो दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि क्लास में अगर दो बच्चे बातें करते हैं मैं दो मिनट में कहता हूं भैया क्लास से आप बाहर जा सकते हो, कोई क्लास में बैठने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि बाकी बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। बट आपके साथ बैठ के आपका दोस्त बातें कर रहा है, उधर क्लास चल रही है, सर बिलीव मी मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, ऐसा मत करो यार। ऑनलाइन क्लास का मतलब ये नहीं होता आनंद उठाना, ऑनलाइन क्लास का मतलब होता है कि भैया शुक्र है भगवान का कि हमारे घर में आज क्लास है, हमारी ट्रांसपोर्टेशन बच गई, हमारे हॉस्टल खर्चे बच गए, बस भगवान से ये प्रे करो कि हे भगवान इस क्लास को मैं सही तरीके से देखूं, मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए। तो जो बच्चा इन गलतियों में से कोई भी गलती करता है तो प्लीज अपने पेरेंट्स के पैसे वेस्ट नहीं करेगा, इससे बढ़िया वो सेल्फ स्टडी कर ले चल जाएगा, बट ऐसे लेके क्लास लेने से आपके पैसे वेस्ट होंगे। बच्चा कह रहा है सर आपको अगर मान लो कोई बच्चा ऐसे पढ़ रहा है आपको तो पैसे ही मिल रहे हैं ना, आपको क्या जा रहा है पैसे कमाओ आराम से बैठो। सर बिलीव मैं आपको बार बार कह रहा हूं मेरा एक रुपया भी नहीं फलेगा अगर आप इस तरह से पढ़ के आप फेल हो जाते हो। सर बिलीव मैं पैसे कमाने से ज्यादा पता प्रॉब्लम क्या है, आप जब पास हो जाओगे ना आपकी दुआ मिलेगी, आप मैं कह रहा हूं ये 10,000, 20,000, 30,000 आप लाखों रुपए कमाओगे, आप याद करोगे लाखों रुपए कमाओगे, आने वाले टाइम में आपके लाखों रुपए का एम होना चाहिए और वो तब होगा अगर आपने सही तरह से क्लास देखी है। तो जो बच्चा फेस टू फेस आ रहा है उसकी कोई दिक्कत नहीं है, जो बच्चा ऑनलाइन आ रहा है उसको समझाना मेरा फर्ज है कि भाई बड़े भाई की बात मान लो, एज ए मेंटर कुछ भी मानते हो और कुछ भी मानते हो प्लीज ये बातें आपने नहीं करनी। अब बच्चा कह रहा है सर फिर जब भी हम ऑनलाइन क्लास देखें किसी भी टीचर की तो फिर हम किस तरह से देखें, सबसे पहली बात आपको यहां पर पार्टिसिपेट करना है साइड बाय साइड। पार्टिसिपेट साइड बाय साइड कैसे करना है, जैसे क्लास में बच्चा आपने कई बार देखा होगा जो बच्चे मेरी ऑनलाइन क्लास लेते हैं उनको पता होगा कि मैं क्लास में ना बार बार बुलवाता हूं। अब बच्चा कह रहे हैं सर हम घर में बोलेंगे हमें तो लोग पागल समझेंगे, भाई समझने दो ना किसको दिखा रहे हो, मैं बिलीव मी मैं आपके लिए पागल बनने का तैयार हूं, आपको समझ में आना चाहिए बस। सर आप किसको दिखा के पढ़ोगे भाई, डिग्री आपको मिले किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ रहे आप कि अगले वाला क्या समझेगा, मतलब घर में बैठ के बोल रहा हूं मम्मी कहेंगे हाय रे मेरा बेटा तो पागल हो गया क्या हो गया, मम्मी अगर मैं फेस टू फेस जाता तो भी तो बोलता ना, सर मेरे सामने बैठे तो भी बोलूंगा, तो आप भी साथ में बोलो, आप भी टेक्स्ट पढ़ो मैं भी टेक्स्ट पढ़ूंगा। तो सिंपल सी बात, अगर आपके अंदर ये डेडिकेशन नहीं आएगा ना आप लाइफ में कभी सीख ही नहीं सकते यार। आपको घर में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, मैसेज करो कि सर देखो हमने यार पार्टिसिपेट किया, दिल मेरा खुश होगा कि बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे वही फीलिंग लेकर आओ कि अगर मैं विवेक सर की फेस टू फेस क्लास में होता तो कितना मजा आता, वही सेम फीलिंग आपने घर में लेके आनी है। तो आपने पार्टिसिपेट करना है और आप अप्रिशिएट करोगे जिस दिन बैच खत्म होगा ना, ऑनलाइन वाला ही क्यों ना हो आपको सारा टेक्स्ट अपने जुबान पे याद होगा, चाहे वो कोई भी पेपर क्यों ना हो, सर ब्लीव पार्टिसिपेट करो पार्टिसिपेट करो। उसके बाद नो डिस्टर्बेंस बिटवीन क्लास, कोई भी डिस्टर्बेंस क्लास के बीच में ना हो, घर वालों को साफ साफ बोल दो मेरी क्लास चल रही है, कोई खाना पीना, हाँ पानी साथ में रखो, खाना पीना बिल्कुल भी नहीं क्योंकि अगर फेस टू फेस क्लास में होते कोई खाना पीना बीच में अलाउड नहीं होता, तो प्लीज आप पानी साथ में रखो, कोई बातचीत नहीं है, कोई मोबाइल नहीं है, सिर्फ आप और आपका लैपटॉप जो है दोनों मिलके काम कर रहे हो, साथ में नोटिंग हो रही है, बहुत बढ़िया तरीके से क्लास चल रही है, तब पढ़ने का मजा आएगा। उसके बाद अपना क्लास का टाइम फिक्स करो कि MWF हो गया, TTS हो गया, सुबह 8 से 10:30 हो गया, 8 से 11 हो गया, शाम को गया, जो भी टाइम पर क्लास देखनी है सेम उसी टाइम पर अगले दिन देखनी है, ये अपना शेड्यूल बना लो। जो बच्चा शेड्यूल से पढ़ता है ऑनलाइन का भी वही सेम रिजल्ट आएगा जो फेस टू फेस का आता है, इतनी मेरी गारंटी है। मैं किसी के मुंह से ये नहीं सुनना चाहता कि ऑनलाइन का रिजल्ट नहीं है, मैं ये सुनना चाहता हूं कि भैया ऑनलाइन का रिजल्ट फेस टू फेस से बढ़िया, प्रोवाइडेड बच्चा फेस टू फेस की तरह देखेगा, बस ये बात ध्यान रखना। तो बिलीव में अगर आप उसी वे में क्लास देखोगे ना, मैं इतनी गारंटी दे रहा हूं लाइफ में आप जरूर मुझे एक दिन मैसेज करोगे सर जो आपने हमें बताया था ना हमने उस वे से क्लास देखी, आज हमारा रैंक है, आज हमारे पेरेंट्स प्राउड फील कर रहे हैं, हमारे सारे कर्ज उतर गए, हमारे सारे लोन उतर गए, आज हम ऐश कर रहे हैं। सर मैं आपके मुंह से ये सारी बातें एक दिन सुनना चाहता हूं, अगर आप ये मुझे सुना दो तो बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद जी आपने नोटिंग प्रॉपर करनी है और आपने सोल्व, आपने जितने भी डाउट सोल्व करने हैं व्हाट्सएप करो, कॉल करो, एकेडमी में बात करो, मेरी सर से बात कराओ, ये सारी बातें आपने अपने डाउट्स को बिल्कुल भी नहीं रखना, बस ये बात ध्यान देना, ठीक है जी। बस मैं यही बातें करने के लिए आया था, होप सो आपको कृष्ण मेरी बातें समझ में आई होंगी, और जिसको ये बातें समझ में आई हैं तो प्लीज यार उन सभी बच्चों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना जो ऑनलाइन क्लास देखते हैं,
किसी भी टीचर की देखे सर मुझसे फर्क नहीं पड़ता, बिलीव मी मेरा दिल ये बात कर रहा है। कहीं से भी देखो सर, हर बच्चा अपनी मेहनत कर रहा है, हर टीचर अपनी मेहनत कर रहा है, बट मुझे इतना पता है कि मैं 2000% आपके लिए बेस्ट देने को तैयार हूं, प्रोवाइडेड आप भी अपना बेस्ट देने को तैयार हो। तो मैंने ऑनलाइन क्लास, गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव निकाली ही सिर्फ इसलिए है कि भैया मैं चलो बच्चों के साथ चलूं, हर घर में ये हो कि टेक्स्ट पढ़ने का मजा आ रहा है। बट वो तभी होगा अगर आप इस वे से क्लास देखोगे। तो प्लीज मेरी यह बात मान लेना, अगर अच्छी लगती है तो ठीक है, नहीं लगती कोई दिक्कत नहीं सर, करियर आपका है, लाइफ आपकी है। मैं फिर भी यही बोलूंगा कि पैसे वेस्ट आपके ना हो, आप जिस भी में देखो, बट अगर आप इस में देखोगे मेरी गारंटी है आप जरूर अप्रिशिएट फील करोगे एक दिन की, हाँ भाई इसमें मैंने क्लास देखी, हमें पढ़ने का मजा आ गया, ठीक है जी। एंड सॉरी, कान पकड़ के सॉरी बोलता हूँ अगर आपको लगो कि मैं गुस्सा हो रहा हूँ, बट मैं आपको समझाने के लिए आया था, क्योंकि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं, जब आप मुझे बड़ा भाई बोलते हो, मेंटर बोलते हो, तो दिल से लिखता है नहीं यार कि बच्चों का एक रुपया भी अगर वेस्ट हो गया ना, तो वो एक रुपया उनका वेस्ट नहीं होगा, एक रुपया मेरा वेस्ट होगा, ठीक है जी। तो प्लीज़ ये सारी बातें आपने फॉलो करनी है, और लाइफ में आप खुश रहो, हंसते रहो, अपने पेरेंट्स को हंसाते रहो, उनकी ब्लेसिंग लेते रहो, उनका आशीर्वाद, उनके बिना लाइफ में कोई भी नहीं है, सबसे बड़े लाइफ में वो है, उनकी रिस्पेक्ट करो बस, और मैं कुछ नहीं कहता। सबकी रिस्पेक्ट करो, जिंदगी एक बार है, सबका रिस्पेक्ट करो, सबसे प्यार करो और सबकी रिस्पेक्ट करो, ठीक है जी। चलो बाकी मुलाकात करूंगा अगली वीडियो के अंदर। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय जी।